रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। इन दिनों जिले में जुए सट्टे का टसन ऐसा चल रहा है कि लोग जुआ सट्टे में ना सिर्फ रुपए दाव पर लगा रहे हैं, बल्कि पैसे कमाने की लालच में वह कर्ज कर अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक जुए से जुड़ा मामला सागर जिले के गड़ाकोटा से सामने आया। यहां जुए की लत के आदि शुभम नामक युवक ने जुआ खेलने के लिए रिंकू नाम की युवक से 4,80,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। हालांकि उसने पैसे वापस भी कर दिए, लेकिन रिंकू नाम का युवक ब्याज के मिलाकर उससे 12,00,000 रुपए की मांग कर रहा था। बीती रात जब शुभम गड़ाकोटा तहसील स्थित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी रिंकू अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और उससे रुपयों की मांग करने लगा। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि रिंकू ने शुभम पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में झूमा झटकी के दौरान रिंकू भी जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर गड़ाकोटा थाना पुलिस पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रुपया ले लिए किसने? 3,00,000 रुपए करीबन थे, पिंटू ठाकुर, रिंकू ठाकुर और 3 जन और थे, एक तिवारी का लड़का और 2 जन और थे जिनको हम नहीं पहचानते। आपकी बगैर इच्छा के लिए कि उसमें से निकाल लिए? उसमें से निकाल ली, पेटी में से पैसा निकाल लिए और हम उनको रोकते ही जाएं तो वो हमारे लड़के को मारने लगे छुरा, तो हमने वो उनका छुरा पकड़ लिया तो जी हमारे हाथ में भी लग गया, हमारे सर में भी छुरा लगा और लड़कों भी छुरा लगा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रिंकू के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसील गेट के सामने द्वार का चौधरी की दुकान है। लड़का दुकान पर बैठे थे, उसमें पैसे के लेन देन की दुकान पर, पैसे के लेन देन के विवाद पर से इनके साथ जो है दीपन ठाकुर, राघवन ठाकुर ने आरोपी ने मारपीट की है, जान से मारने के लिए स्थल पर 1,000 से वार किया है, जिस पर जख्मी अवस्था में अस्पताल लाया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। इसमें आप आरोपी गण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। गड़ाकोटा से आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।